नमस्ते दोस्तों, आज हम रोमांटिक पीरियड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। रोमांटिक पीरियड विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, तो जॉन कीट्स। तो सबसे पहले हम रोमांटिक पीरियड दो रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज क्लियरली डिविजन इंटू द टू पार्ट जनरेशन ऑफ द पोइट्स। इसके अंदर जो दो दो द पोइट फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट जनरेशन में देखिए ध्यान से, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में एक तो आता है फर्स्ट जनरेशन में विलियम, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउथे। द पोइट ऑफ द सेकेंड जनरेशन, द रिलेशन द पोइट सेकेंड जनरेशन के अंदर लॉर्ड बायरनी, पी बी शेली, जॉन कीट्स, ये है सेकेंड जनरेशन में। द साइलेंट फीचर ऑफ द रोमांटिक पोएट्री आर द इमोशनलिजम्स, डायरिसिजम्स, लव फॉर नेचर, हमनिजम्स, लव फॉर द मोडी मोडिवेजन मोडी सॉरी मोडिवलिजम्स, रिवोल्ट अगेंस्ट द कस्टम एंड द सुपर नेचुरलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो कोकमाउथ कैम्ब्रिज कैम्बरलैंड के अंदर हुआ था, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी अपने एस टी कॉलरिज के साथ। उसके बाद के अंदर ये जो उसकी मदर थी वो जब वो 8 ईयर्स का था तब उसकी जो मदर थी वो दुनिया से ही हैज गॉन दिस वर्ल्ड। ही स्टडी इन द स्मॉल ग्रामर स्कूल एट द हॉकंट। तो सबसे मेन टॉपिक पे हम आते हैं, जो उसने जो सेकंड विजिट फेल इन द ही फेल इन लव विद मारिया एना वोलन। ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारिया एना विलन, याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ फेल इन लव मारिया एलन। ये नोट कर सकते हो आप कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आप नोट कर सकते हो। तो विद द रिजल्ट इन द एनी गिवन बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड। और उसके बाद के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आते हैं। जैसे उसकी जो पोइम लिखी हुई है लरिकल ब्लेड है, ये देखो लरिकल ब्लेड है, ये जो दे रखी है ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। लरिकल ब्लेड ये लिखी गई 1798 के अंदर, 1798 में लिखी गई थी। इट इज बुक द ऑफ्टन कंसाइडर द बिगिनिंग ऑफ द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश। रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिरिकल ब्लेड से शुरू होता है। द हिज प्रिफेस टू द लिरिकल ब्लेड इज कंसाइडर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्रिटिसिज्म। सेकंड के अंदर हम आते हैं, सेकंड के अंदर ये प्रिल्यूड है, ये 1805 के अंदर लिखा गया था। इट वॉज पब्लिश पोस्टमसली इन, इसको 1850 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सकर्शंस, उसके 1814 के अंदर लिखा गया था, 1814 के अंदर ये रिकॉल्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो आप, ये टेम इसको नोट कर सकते हो आप, टेंटन एबे कर्शंस को नोट कीजिए, 1814 के अंदर है। और रिकल्स इसके अंदर एक हो रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम लिखेंगे आर ई सी एल यू एस ई, ये आ सकता है, ये जो है अपना, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये है दिस पोइम वाज द नेवर कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद में लेडोमिया हो गया, माइकल्स द लेट टुगेदर, ये नरेटिव पोइम है, ये लॉन्ग पोइम है, ये सारी ये है लॉन्ग पोइम, ये है नरेटिव पोइम्स। ये इधर देखिए डिफोडिल्स, रेनबो, मिल्टन्स, पेटरबेल्स, ये सारी लिरिकल नेचर के अंदर आती है, लिरिकल नेचर्स। और जो हमारे जो नरेटिव पोइम्स है जो लुडामियाज, माइकल्स, लिटरेचर, ये आ सकती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है एस टी कोलरिज के बारे में। ये कोलरिज है, एस टी कोलरिज, एस टी कोलरिज भी ये रोमांटिक, ये द लेक ऑफ द पोइम मान लीजिए इसको, द सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। सॉरी ये तो है एस टी कोलरिज है, वो इससे फर्स्ट जनरेशन में आएगा। इसमें कुबला खान, किस्टेबल्स, रिम, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन इसमें से उठा सकता है, और कुबला खान इसमें से भी उठा सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। तो दोनों आप नोट कर सकते हो। लिटरेरी लाइफ एंड द ओपिनियन 1817 में ये भी आ सकता है। इसके बाद में ये जो है
एडल्ट रिफ्लेक्शंस, ये 1815 के लेक्चर ऑन द शेक्सपियर, लेक्चर ऑन द शेक्सपियर इसके वो किससे क्वेश्चन आ सकता है ये फ्रेंड, इसमें से वॉचमैन्स, इसमें से। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक जो बायरनी के बारे में चलते हैं। ये जो है अपना बायरनी, ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अंदर क्या है कि कितना बायरन जो बाल ए रोमांटिक पोइट है, वो आज एक्सट्रीमली हैंडसम बट लेम, बहुत ज़्यादा हैंडसम था ये बट लेम भी, कि हिज स्टैगली गेट रिजल्टिंग फ्रॉम हिज लेमनेस एट लेट बिकम ए फैशन इन द सोशलिज्म सोसाइटी यूरोप में। हिज चिल्ड्रन वाज डोमिनेटेड बाय ईस्टर्न कॉलोनिस्ट मदर्स, वो सेक्सुअली अब्यूज हिम एंड ऑफ्टन बीट हिम, उसको पिटा गया था। और हिज, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं। इसकी जो लिखी गई है वर्ड्स ऑफ आइडलनेस है जो देख रहे हो आप, ये जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये है द वर्ड्स ऑफ द आइडलनेस, दीज वर द अनरिमार्केबल लाइरिक, ये अनरिमार्केबल लाइरिक है, विच वर द पब्लिश्ड व्हेन बायरन वाज ओनली, जब वो 19 साल का था बायरन तब ये लिखी गई थी। उसके बाद इंग्लिश ब्रेड ऑफ द एंड स्कॉटिश रिवाइवर्स, ये भी लिखी गई 1809 में लिखी गई थी। ही रोड दिस पोइम इन द इमिटेशन ऑफ द पोप एंड यूज इन इट द वेग बट इमेज इन कपेल। उसके बाद चाइल्ड फॉर लॉर्ड पेलग्रिम्स लिखी गई था, ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से उठा सकता है, ये जो है चाइल्ड, ये क्वेश्चन, ये जो है इसके अंदर क्या है कि ये इसके कंटोन्ड फर्स्ट एंड द सेकेंड, कैंटो फर्स्ट एंड द सेकेंड 1812 के अंदर, इट इज द मूडी सेल्फ ड्रामेटाइजिंग पोइम इन स्पेंसियन स्टेंजर्स। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, मैनफ्रेड भी है, डिफोर्डम ट्रांसफॉर्म हो गया ये भी है। उसके बाद के अंदर ये जो डन जोन हो गया, विजिट ऑफ द जजमेंट हो गया, बप्पा हो गया, द प्रिजन ऑफ द चाइल्ड हो गया, ये जो है इसको आप नोट कर सकते हो इसको। उसके बाद में हम चलते हैं शैली, पी वी शैली, अब इसके बारे में हम क्या बताएं आपको, ये रिवोल्यूशनरी पोइट है, रिनोम्ड रिवोल्यूशनरी पोइट पी वी शैली, ये है पी वी शैली रिवोल्यूशनरी पोइट है, ये बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ द सेक्स। अब क्वेश्चन आ सकता है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ सेक्स से ये संबंधित है, सेक्स लिख सकते हो इसको, नोट कर सकते हो, स्पेलिंग है इसकी SUSSEX सेक्स। उसके बाद ही वाज एजुकेटेड एटन, एटन के अंदर एजुकेटेड हुआ था ये, दही वाज रिवोल्यूटरी बस, ये नॉक्स बस नेसेसिटी ऑफ थेस्टिसिज्म भी नोट कर सकते हो आप। उसके बाद क्वाइन बॉब 1813 में अंदर लिखी गई थी, ये दिस वाज हिज फर्स्ट एथिस्टिक पोइम थी, ये जो थी पहली जो एथिस्टिक पोइम, कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो आप, नोटबुक के अंदर। तो ना ये है, इट वाज कंपोज ट्रेडिशनल इरेगुलर, उसके बाद अलास्टर या द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी बोलते हैं इसको, अलास्टर या द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको नोट कर सकते हो आप। दिस पोइम विच इज द रिटन द ब्लैंक वर्ड्स, ये ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी गई है, ये ध्यान से सुन लो, ये ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी गई है, इसमें से क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए ब्लैंक वर्ड्स याद रखना, ब्लैंक वर्ड्स के अंदर यह रिटन लिखा गया। ब्लैंक वर्ड्स एक्सप्रेस द शैली एंड कहते हैं एंडलेस लव, शैली का जो एंडलेस लव को एक्सप्रेस करते हैं, वंडरिंग इन द सर्च ऑफ द ड्रीम गर्ल्स, एक जो सपनों के अंदर जो लड़की थी वो घूमती रहती थी, उससे वो एंडलेस था। वो इज द मॉडल ऑफ द ब्यूटी, इट इज द इलस्ट्री पोइम विच लैक इन द रियलिटी, जो वास्तविकता से बहुत ज़्यादा अभाव था उसमें। रिवोल्ट ऑफ द इस्लाम, ये तो रिवोल्ट ऑफ द इस्लाम के बारे में देखिए, रिवोल्ट ऑफ द इस्लाम, ये है रिवोल्ट ऑफ द इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, ये 1817 ईस्वी के अंदर लिखा गया था 1817। दिस पोइम विच इज रिटन इन द स्पेंसरियन स्टैंजा, ये स्पेंसरियन स्टैंजा के अंदर लिखे गए हैं। उसके नेक्स्ट है लुक से जूलियन एंड द मेडलो, ये है ये जो पोइम लिखी गई है, ये 1818 के अंदर लिखी गई थी, ये 1818 के। इन दिस वर्क शैली डिस्क्राइब द इरेगुलरी रिदम्स कैपल विजिट एंड मैड हाउस वेनेशिया कंपनी ऑफ द बायरन्स, इसके अंदर अपीयर इन द इटालियन नोबलमैन के रूप के अंदर भी इसको
नेक्स्ट सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है, अपने ये है इसके अंदर, ये है पर मैं यहां लिख देता हूं उसको, द सेंसेंट, द सी ई एन सी आई, ये है, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी नोटबुक के अंदर, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये अपने है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, ये 1819 इट इज द प्ले रिटन एलिजाबेथ स्टाइल के अंदर लिखा गया है, ये एलिजाबेथ मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये इसके अंदर नहीं दे दिए लिखा गया, तो जो है इंसेंट के अंदर एलिजाबेथन्स के अंदर लिखा गया था, और ये जो अपना है एलिजाबेथन्स के टाइम के अंदर, ये एलिजाबेथन स्टाइल के अंदर लिखा गया था, ध्यान सॉरी ये एलिजाबेथन स्टाइल में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था। इट इज़ द ओनली वर्क ऑफ द शैलीज विच इज़ द बेस्ट ऑन द रियलिटी, ये रियलिटी के बारे में है, ये बहुत ज़्यादा रियलिटी के बारे में। प्रोमोथस अनबोर्न है, ये भी लिरिकल ड्रामा है, ये इसके अंदर नहीं, हेलो ये है, और बाकी तो ये डिफेंस ऑफ द पोइट्री, डिफेंस ऑफ लाइफ, लिरिकल्स, द क्लाउड स्काई, लॉर्ड ओ टू द वेस्ट विंड, जे लॉर्ड टू द वेस्ट विंड की लाइनें आ सकती है, ये लिरिकल, क्लाउड क्लाउड स्काई 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 स्काई, ये नोट कर लीजिए आप इसको, स्काई लर कहिए, ये 1820 के अंदर है, 1820 के अंदर है, ये 1820 में लिखा गया था, उसके बाद के अंदर ये है 1820 के अंदर, लिरिकल क्लाउड स्काई ओ टू द वेस्ट विंड्स, हमन सेंसिटिव प्लांट, लेमेंट, लेमेंट भी है, ये लेमेंट, ये है लेमेंट, एफिथिजम्स हो गया, उसके बाद के अंदर हमारा है जॉन किट्स का है, जॉन किट्स की पोइम देखो, जॉन किट्स बहुत ज़्यादा ये है, इसकी जो पोइम ही नोट कर लीजिए आप, इंडिपेंडेंस, वेकेंस, अर्थ ग्रीशन अर्नस, इसेबेला, ईव ऑफ द सेंट, ये जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये द इवन ऑफ द सेंट इजेंस, किसकी लिखी गई है, ये किसकी लिखी गई है, इट इज द मॉडिबल रोमांस है, ये फ्रेगमेंट इन द स्पेंसरियन स्टेंजे के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इज द फर्स्ट वर्क, तो पहले बार इंडोमियन है, ये 1818 में लिखा गया था, ये उसके बाद के अंदर हम ये नोट कर लीजिए, तीनों जो है 1 2 3 4 है, ये इसको नोट कर लो आप, उसके बाद ये चार स्लैम आते हैं, एस ऑफ द इलिया, टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर, ये टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको नोट कर सकते हो। द टू रेस ऑफ द मैन, वैलेंटाइन डेज, ये तो चलो याद ही करने हैं, ये दोनों पर आई साइड रखना, यानी कि योर फोकस ऑन द एस ऑफ द इलिया एंड द टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर, इस दोनों पर ही आपका फोकस होना चाहिए। तो ये आपको कैसा लगा हमारा जो रोमांटिक पीरियड, जो कम समय के अंदर हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की है, और बाकी के जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका रोमांटिक पीरियड का, जल्दी मैं यूट्यूब पे शायद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे बढ़िया से बढ़िया नॉलेज आपको प्राप्त हो और कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और अपना शेयर भी कीजिए इसको, ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।